एक दिन पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा की गई थी। इसके बाद 16 नवंबर के दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पार्टी के बड़े और कद्दावर नेताओं के साथ नामांकन स्थल नामांकन करने पहुंचे। आइए आपको भी दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से 14 नवंबर के दिन नामांकन किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 15 नवंबर के दिन अपने प्रत्याशी की घोषणा जनपद इटावा के रहने वाले रघुराज सिंह साके के रूप में की। रघुराज सिंह साके का नाम पहले से ही चर्चाओं पर चला था, जिसके बाद आखिरकार 15 नवंबर के दिन रघुराज साके के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक रूप से मोहर लगा दी। 16 नवंबर के दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह साहब के लोकसभा के उपचुनाव में नामांकन करने के लिए नामांकन स्थल पहुंचे। उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान भोगांव विधानसभा से विधायक पंडित रामनरेश अग्निहोत्री, पूर्व सांसद बाजीलाल अध्यक्ष प्रदीप चौहान के साथ पार्टी के कई अन्य बड़े पदाधिकारी भी मौजूद थे। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह साग के जिला मुख्यालय के गेट नंबर 2 से नामांकन स्थल पर जा रहे हैं। वहीं नामांकन स्थल पर पहुंचकर उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश क्रत सिंह को अपना नामांकन भी सौंपा है। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वापस आए और अपने पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए लोकसभा के उपचुनाव में बंपर जीत का ऐलान भी किया है। निकल रहा था नेताजी का आशीर्वाद, आए निकल रहे थे, बड़े नेता थे, उनका आशीर्वाद लेके आए। मैं एक एक से मैंने कहा मैं इटावा से चला, इटावा से सब लोग आशीर्वाद में स्टार्ट होगा मैनपुरी में, सभी बुजुर्गों से, सभी माताओं से, सभी लोगों करेल से बीच के निकले आए, सबसे आशीर्वाद लेके। नहीं नहीं अभी मैंने कहा ना मैं केवल आशीर्वाद सबसे मांग रहा हूँ, वो सबसे आशीर्वाद मांगने का काम जितने हैं मैनपुरी जनता की, मैं तो सेफाई परिवार से, क्योंकि वो क्षेत्र में हर व्यक्ति से आशीर्वाद लूंगा। सेफाई के जितने लोग हैं सबसे, क्योंकि हम वोट उनसे हम प्रत्याशी हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि सबसे आशीर्वाद लेने का काम, हमारे मतदाता है, मतदाता हैं, सब लोग मतदाता हैं, तो मैं सबसे आशीर्वाद लेने का काम करूँगा, सबके पास जाऊँगा, सबसे आशीर्वाद लेने का काम करूँगा, माताओं से, बुजुर्गों से, बहनों से, सबसे जाने का काम करूँगा। समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बताती है और डिंपल यादव को भी सामने खड़ा किया, किसी गढ़ किसने बनाने का काम किया? जनता ने, जनता से भाई कोई अदालत नहीं होती, मतलब जनता के सामने कभी ऐसी ऐसी बातें कही जाती है? जनता का, जनता जनार्दन बहुत बड़ी होती, गढ़ तो जनता का होता है, जनता, मैंने कहा सबसे बड़ी अदालत जनता है, अब जनता की अदालत हम लोग आए हैं, जनता फैसला करने का काम करें, जनता ने बड़े बड़े किले गिराने का काम किया है और छोटे छोटे रिक्शे चालक को उनको बैठाने का काम किया है, तो जनता की अदालत, हम जनता के बीच में आए, हमारा किसी से कोई मनमुटाव नहीं, न कोई किसी से भेदभाव नहीं, हम तो आए हैं सेवक के रूप में। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, हमारे जिले के, हमारे पूरे संगठन को, पूरे नेतृत्व को, जो हम पर विश्वास करने का काम किया। ये छोटे से सिपाही को उन लोगों ने तो अपमान जितना हो सकता करने का काम किया, वो तो जड़ हमारी खोदने का काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को सम्मान देने का काम किया, हमारे जैसे किसान के बेटे को सम्मान देने का काम किया। ये लड़ाई मैनपुरी की जनता लड़ने का काम करेगी, मैनपुरी जनता के रघुराज साक नहीं जीते हैं, मैनपुरी जनता जीतने का काम करे, परिवर्तन रघुराज साक नहीं करेंगे, मैनपुरी की जनता करने का काम। तो हम लोग जनता की अदालत में आए, सबसे प्रणाम करूंगा, सबसे प्रणाम कर रहा हूं, आपके माध्यम से भी प्रणाम कर रहा हूं कि इस किसान के बेटे को आशीर्वाद दें, ये आपकी सेवा ज़्यादा करने का काम करेंगे। और जो लड़ रही हैं माननीय डिंपल जी, शायद वो नहीं मिल पाए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सिक्योरिटी इतनी रहेगी, आम आदमी कहाँ से मिल सकता, विधायक सांसद नहीं मिल सकते, रघुराज साग को दुकान पकड़े कहीं पकड़ लो, जहाँ मिलने का काम कर लो, वो यही चाहता है, जनप्रतिनिधि तो होता है वो, सेवक होता है जनता का, वो जनता का कर्जदार होता है, जनता वोट देने का काम कर दिया करती है, तो हम लोग कर्जदार होते हैं जनता का, तो जनता के हम लोग ऋणी हो जाते हैं, उस ऋण को चुकाने का उनका, हम लोगों का भी जनता का अधिकार बनता है, कुछ भी कहने के, कुछ के लिए मैं जनता के बीच में आया हूँ, मैनपुरी के हमारे सभी अध्यक्ष जी हैं, मंत्री जी हैं,
हमारे सब लोग जिले के इटावा के भी अध्यक्ष हैं, सब लोग पूरे सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, जसवंतर की जनता दे रही है, मैनपुरी की सभी विधानसभा में आशीर्वाद दे रही है, एक एक नागरिक आशीर्वाद देने का काम कर रहा है और ये लड़ाई मैनपुरी की जनता जीतने का काम करेगी। मैनपुरी में कमल खिलने का काम होगा 8 तारीख को जब मतदान खुलेगा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जीतने का काम होगा, मैनपुरी की जनता जीतने का काम करेगी।